नमस्कार, जस्ट ऑटो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने अभी एक रील्स के मुताबिक हमने देखा था कि हमारे गाड़ी के ऊपर जो हमारा सिस्टम स्कैन नहीं कर पाया था सिस्टम, तो हम वहाँ से अपने केएसवी के हिसाब से डेटा लेने चले गए थे, पर वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से हमने अपना डेटा रीड नहीं कर पाया था। तो अब हम उसको जो है ऑन टेबल रीड करेंगे केएसवी की मदद से। केएसवी एक्चुअली में काम जो करता है वो गाड़ी के ऊपर काम करता है, जो वाया ओबीडी से हम डेटा ले सकते हैं केएसवी के हिसाब से, बशर्ते हमारी गाड़ी में वो चीज़ नहीं हो पाई थी, और इसीलिए हम उसको टेबल पे लेके आए हैं। और टेबल से हम वाया ओबीडी में आपको दिखाता हूँ कि हम ऑन टेबल वाया ओबीडी कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में कुछ तकलीफ हो जाती है तो हम ऑन टेबल इस ओबीडी की मदद से कैसे हम डेटा ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप स्क्रीन पर देखिएगा कि आप स्क्रीन पर देखिए कि हम जो है केटेक के सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, और केटेक से ही हमारा केएसवी भी चलता है, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर की मदद से चलते हैं। आपको यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो केटेक से हमने काम किया था, आज हम कर रहे हैं केएसवी से काम कर रहे हैं। तो केएसवी के लिए हमने जो है अपना ये स्विफ्ट का आईसीएम हमारा गाड़ी के ऊपर नहीं निकला, किसी वायरिंग के इशू की वजह से या किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं निकला। तो हम यहाँ पे कन्फर्मेशन ये करेंगे कि ऑन टेबल पे हम इसका डेटा लेने के बाद हम अपने दूसरे वेरिएंट के अंदर डालने के बाद हम उसको आईसीएम पे जाके गाड़ी पे जाके उसे चेक करेंगे। तो फिलहाल हमने इसकी सॉकेट बना के रखी हुई है, ये सॉकेट किस तरह से काम करती है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसके कनेक्शंस कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के हम बताते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, कौन से कनेक्शन कब यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं, हम इसका डेटा ऑन टेबल केएसवी के जरिए कैसे निकाल सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो ठीक है, ये ओबीडी आपको ये ओबीडी जो गाड़ी के अंदर मिलती है हमें फीमेल ओबीडी, और ये हमारी जो होती है मेल ओबीडी होती है। मेल ओबीडी हम ऑप्शन में बनाने के बाद हम कर सकते हैं। तो अब हम यहीं पे ऑन टेबल इसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमने इसमें पावर लगा दिया हुआ है। पावर लगाने के बाद हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। तो अब हम केएसवी की आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए कि केएसवी का हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं केएसवी यहाँ पर आपको डिटेक्ट हो रहा होगा। अब हम इसमें से जो है जो गाड़ी होती है गाड़ी के वेरिएंट के हिसाब से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे सुजुकी। सुजुकी के अंदर हमें पता होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर ईसीएम हमारा कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे हमारा बॉश है, बॉश के बाद हम सेलेक्ट करते हैं डेल्फी है। तो हमें जो सेलेक्ट करना है वो ईसीएम के ऊपर लिखे होते हैं, इसके पार्ट नंबर इसमें लिखे होते हैं। तो पार्ट नंबर के हिसाब से हमारा ईसीएम मैग्नेट मरेली है, तो हम इसमें मैग्नेट मरेली सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेट मरेली, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओबीडी का ऑप्शंस, जहाँ पे हम सीधा ओबीडी से कनेक्ट करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसकी फैमिली वर्जन आईडी नंबर बता रहा है। तो ठीक है, यहाँ से भी ओके करेंगे। यहाँ से करने के बाद ये हमसे पूछता है कि आपकी जो ईसीएम है वो आप किस प्रोटोकॉल से इसे रीड कर सकते हो, या जिसका जिस प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करेगा उससे ही ये रीड होगा। बाय द वे मोस्ट ऑफली हम कैन से समझते हैं, केलाइन भी होता है, केलाइन हमारी पुरानी प्रोटोकॉल्स थी जिससे हमारी गाड़ियाँ पुरानी से केलाइन से काम करती थी। तो सबसे पहले हम जो है इसे केलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। केलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है कि रीड, रीडिंग, राइटिंग, रिकवरी एंड सेटअप। तो हमें सबसे पहले डेटा चाहिए और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बता रहा है कि प्लीज़ कनेक्ट योर व्हीकल स्टेबलाइज बैटरी। गाड़ी के अंदर कभी भी हम काम करेंगे तो वहाँ पे हमारी जो बैटरी होगी अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, गाड़ी की बैटरी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो बैटरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, अगर बैटरी हमारी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा बैटरी जंपर लगा के रख देनी है, वो पहले से ही लगा के रखनी है। अदरवाइज अगर बीच में हम लगाते हैं तो भी गाड़ी में हमारे जर्क बनता है। ऑलवेज हम टेबल के ऊपर हैं तो टेबल के ऊपर हम ओके कर लेते हैं, और ये इग्निशन ऑन करने के लिए कह रहे हैं। तो जो कि ऑलरेडी हमारा इग्निशन डायरेक्ट बैटरी लगी हुई है, डायरेक्ट चार्जर लगा हुआ है, तो ऑन है। अब सिस्टम यहाँ पे ये कम्युनिकेट कर रहा है, जो सर्च कर रहा है ईसीएम से। अब अगर ईसीएम सही हुआ तो हमें यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा, और अगर कहीं ईसीएम में प्रॉब्लम होगी तो हम उसको चेक करेंगे वापस से। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है हमें यहाँ SW मिल रहा है, SW मिल रहा है, यहाँ पर हमें स्पेयर पार्ट्स के नंबर मिल रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 33920/83KQ* दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मे बी शायद सेम नंबर है 33920
83KQ0 यहाँ पे जीरो का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे एज ए स्टार का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे जो है हमें हमारा सिस्टम मिल गया है और अब यहाँ से हम इसे करते हैं ओके। ओके करने के बाद ये कह रहा है प्रोसीड टू रीड, यानी प्रोसेस के अंदर ही सिस्टम आ गया है। अब हम यहाँ से करते हैं इसको रीड, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वार्निंग, रीडिंग प्रोसेस विल टेक 0 hour and 46 minutes टू कंटिन्यू। ये वापस से आपको बता रहे हैं कि जो डेटा रीड होगा वो अप्रोक्सीमेटली कम से कम आपका 46 मिनट कम से कम लग सकता है। इसलिए उसने बैटरी के लिए बोला है कि आपकी जो बैटरी होगी वो परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए। इस कंडीशन में रीड करते समय या राइट करते समय अगर हमारी वीकनेस हो जाएगी, बैटरी वीक हो गई, तो इस कंडीशन में केस भी हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैश कर सकता है। इसमें हमारी गाड़ी की चेकलाइट गायब हो सकती है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकती, इस तरह की कुछ भी हमारी डीएक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोसेस टू रीड, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं यस। यस करने के बाद सर्विस चालू हो गई है, वेट फॉर प्लीज वेट का ऑप्शन आ गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे रीडिंग हमारा इश्यू चालू हो गया है जो 1% हो गया है और रिमाइंडिंग टाइम अभी 0 hour and 0 minute and some seconds अवेलेबल यहाँ दिखा रहा है। बैटरी का वोल्टेज आपका प्रॉपर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो अभी रिमेनिंग टाइम आपका यहाँ पे दे दिया है कि 0 hour and 20 minutes। तो सो गाइस, हम ये वीडियो कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू चलेगा और आगे की जो भी चीज़ होंगी हम आपको अगले वीडियो में अभी बताएंगे कि भाई इसके आगे का प्रोसेस क्या था, प्रोटोकॉल्स क्या था। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था केटेक के बारे में सिंगल सिंगल फाइल, वो भी हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। इसीलिए आप कनेक्ट रहें, ज्वाइंट रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रहें, एक से एक नई नई वीडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर हम आपको बताते रहेंगे। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ चीज़ के लिए आपको जानना है, तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।